So beta, today we will start our lecture number 3 of alternating current, and the topic is RMS voltage. Anybody know about full form of RMS? Root mean square. RMS ki full form kya hoti hai aapki? Root mean square. You have discussed these terms in your class 11th in KTG chapter, and also in thermodynamics chapter of class 11th chemistry. Now we will start with a definition, that is RMS means root mean squared voltage. This means taking the root of the mean of the square of instantaneous voltage. इसका मतलब क्या होता है कि हम root लेते हैं किसका सर? Mean of the square of the instantaneous voltage का. तो यहाँ पे कुछ words लिखे हुए हैं, square of the instantaneous voltage. That means instantaneous voltage का क्या करना है? Square करना है. Square करके क्या लेना है? Mean. मीन किसका होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का. मान लो आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, और मीन क्या आएगा आपके पास? अपॉन 2. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल सम कितना होगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और दो टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? दो. तो नीचे क्या लिख दूंगा? 2. और इसका क्या लेना है? रूट. एंड इससे हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज. क्लियर है? आर एम एस वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वोल्टेज. आर एम एस वोल्टेज को एक और नाम से जाना जाता है. कौन सा नाम सर? इफेक्टिव वोल्टेज, विच इज डिफाइंड एज द ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू, जो किसकी तरह डिफाइन होती है? एज एन ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज. कि जो अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी इफेक्टिव वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी? वी आर एम एस. क्लियर है? या फिर ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू. स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. कि स्क्वायर्ड फंक्शन है किसका? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का. स्क्वायर्ड फंक्शन का कुछ मतलब नहीं है, बस ये है कि आपके पास कोई एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है v1, तो स्क्वायर्ड फंक्शन मतलब v1 का स्क्वायर, और मीन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम हो जाएगा ऊपर, सॉरी, और रूट का मतलब उसका क्या ले लिया? एज इट इज यही बनेगा. क्लियर है? नाउ फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है v12, v22, v32 एंड v42. वी हैव अ पॉइंट व्हिच हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2. And across V1, it is V12. Across across 2, it is 2. And across 3, it is V32. And across 4, it is V42. Is it clear or not? So here are some instantaneous values of voltage. कि V12 आ रही है सर, V22 आ रही है, V32 आ रही है, V42 आ रही है. In Cartesian plane we can also describe it. So अगर हमें इसका root mean square voltage निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले तो सारों का square कर देंगे. V12 का square, V22 का square, V32 का square and V42 का square. ये टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया. नीचे क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4 है. और फिर क्या लेना है? रूट. तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज किसकी? 4 ऑब्जर्वेशंस की. इस तरीके से आएगी. यस, 2 पर स्क्वायर है, 1 की पावर v1 की पावर स्क्वायर. अच्छा, ये यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है. आई इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास 4 इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो सकती हैं, V1 2, V2 2, V3 2, V4 2, या फिर हमारे पास 4 इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो सकती हैं, V1, V2, V3, V4, और उनकी वैल्यूज निकालेंगे तो उसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा. स्क्वायर करने के बाद क्या करना है बेटा? स्क्वायर करने के बाद मीन लिखना है. मीन लिखेंगे, मीन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद क्या लगा देंगे? रूट. दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज. इसके ऊपर बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं.
यू हैव टू प्रैक्टिस दैट कॉन्सेप्ट, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपको। ये कॉन्सेप्ट तभी आपको अंडरस्टैंडिंग में आएंगे जब आप इसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे विद कंटेंट, कि आपने आज आरएमएस वोल्टेज किया है, आरएमएस वोल्टेज के 2-3 क्वेश्चंस लगा लिए, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी फिक्स। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ही बन के रह जाएगा एंड यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, बट योर प्रैक्टिस विल बी जीरो। VRMS is equals to V1 square, V2 square, V3 square, V4 square. और अपॉन में क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर 4 एंड ऊपर क्या आएगा एक रूट। क्लियर, दैट विल बी योर VRMS। इट सप्लाइज द सेम पावर टू द लोड एज एन इक्विवेलेंट DC सर्किट। ये उतनी ही पावर सप्लाई करता है जो एक इक्विवेलेंट DC सर्किट करता है, और वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, RMS का स्क्वायर इनटू में R। ये कब निकाला था हमने, रेजिस्टिव सर्किट के लिए निकाला था क्या, कब निकाला था, कल ही तो निकाला था, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या निकाला था, P = I square RMS R। सो फॉर एग्जांपल वी हैव V1 square, V2 square, V3 square, V4 square आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, और ये हम निकाल चुके हैं ना। This means the power which is supplied to the load will be equivalent to the DC circuit. इसका मतलब ये है कि वो power जो हम load को supply करते हैं वही equivalent होती है किसके, DC circuit के। Clear है? And that value is known as RMS value, effective value. Now graphically देखा जाए तो RMS value of an alternating voltage will correspond to the same amount of power consumption. अभी अभी पढ़ा है यार, क्या The RMS value of an alternating voltage, alternating voltage की जो RMS value आई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, effective value भी बोलते हैं, वो किसके correspond है, to the same amount of power consumption in each case of DC voltage. DC voltage में कितनी power consume हो रही थी, DC voltage में power consume हो रही थी I square RMS into में R, और जितनी power DC voltage के अंदर consume हो रही थी वो सेम इफेक्टिव वैल्यू होगी किसकी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। क्लियर है? देयरफॉर आरएमएस इज नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं किसकी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। दिस शोज डीसी वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज विल सप्लाई द सेम पावर। इसका मतलब ये है कि आपका चाहे डीसी वोल्टेज है चाहे आरएमएस वोल्टेज है, दोनों की दोनों सप्लाई क्या होगी, सेम होगी, सेम पावर होगी दोनों केसेस के अंदर। दिस आरएमएस वैल्यू विल कोरिस्पोंड टू द सेम अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन, और ये जो आरएमएस वैल्यू है ये सेम अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन होगी, दैट विल बी सेम इन केस ऑफ डीसी। किसी को समझ ना आ रहा हो तो मैं उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आरएमएस और डीसी दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज डायरेक्ट करंट वोल्टेज, मतलब कोई ऐसा सोर्स लगा रखा है जिसके अंदर से कौन सा करंट निकल रहा है, डायरेक्ट करंट, एंड वोल्टेज भी कौन सी है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, एंड वी हैव अ सोर्स व्हिच इज अल्टरनेटिंग एंड इट फॉर्म आरएमएस वोल्टेज। अगर हम देखें ये वोल्टेज कौन सी होगी, वीएम साइन ओमेगा टी, दैट इज योर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन इसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वीआरएमएस आएगी, क्या वीआरएमएस दैट विल बी इक्वल टू डीसी वोल्टेज। इज इट क्लियर और नॉट? RMS is known as effective value of the alternating voltage, that will be equal to DC voltage. Power supply in both the cases will be same. समझ आया नहीं है? तो we have derived a relation between DC voltage and AC voltage. दोनों के बीच में relation आ गया क्या, DC और AC के बीच में? So now see here, graphically we can represent it as यहाँ पे आपके पास एक value आ रही है। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी तक हमने निकाली नहीं है, अभी आगे निकालेंगे। तो जो आपकी VRMS की वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है V0 अपॉन रूट 2 या फिर VM अपॉन में रूट 2। और सोल्व करते हैं तो कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो क्या, निकाल के बताओ, VM अपॉन रूट 2। देखो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, VM root 2 upon में 2 आ गया, इसको इससे multiply करेंगे, root 2 की value हमारे पास कितनी होती है, 1.414, इसको multiply करेंगे, 2 से divide करेंगे,
सीधी सी बात है, 2 से क्या काटना है, 1.414 काटना है, काट दो, क्या आएगा 0.7 आएगा क्या, 0.707। तो 0.707 समथिंग क्या होती है, वीएम की वैल्यू होती है, कौन, वीआरएमएस। दैट मींस अगर आपके पास वीएम की वैल्यू 1 है, कितनी है 1 है, तो वीआरएमएस की वैल्यू कितनी होगी 0.707। क्लियर है? तो वीएम की 0.707 टाइम्स वैल्यू होती है कौन, वीआरएमएस। क्लियर है? और ऑब्वियस सी बात है 0.707 है तो 1 क्या आएगा, हमेशा ऊपर ही आएगा। और यहाँ पे माइनस में भी ये पहले आएगी माइनस ऑफ 0.707 और उसके बाद क्या आएगी, वी पीक वैल्यू आएगी। समझ आया नहीं है? क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्या है, हाफ साइकिल है पाई एंगल पे, और यहाँ पे 360 डिग्री है, कौन सी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज की जो इफेक्टिव वोल्टेज आ रही है ना, कौन सी वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज, वो देखो यहाँ पे कितनी है, दैट इज योर वीआरएमएस। वीआरएमएस कितनी आ रही है, 240 वोल्टेज। अब डीसी में आ जाओ, डीसी के अंदर वोल्टेज कितनी है, सेम है क्या, दैट मींस डीसी की जो वोल्टेज है, डीसी की जो वोल्टेज है, दैट विल बी इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाँ इसमें जो है ये बिल्कुल सही पॉइंट बताया इसने, कि इसके अंदर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन इसके पास क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, सिर्फ इफेक्टिव वोल्टेज की। इफेक्टिव वोल्टेज कौन से पॉइंट पे आ रही है, सिर्फ इस पॉइंट पे आ रही है। क्लियर है? तो आरएमएस वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, दैट विल बी इक्वल टू डीसी वोल्टेज, दैट विल बी, दैट इज 240 वोल्ट। इट इज क्लियर ऑन नोट? नाउ अ प्रॉब्लम on RMS voltage, that is the peak voltage of an AC supply is 300 volt. जो peak voltage है बेटा एक AC supply की वो कितनी है, 300 volt दे रखी है, और पूछी क्या है, RMS voltage. तो as you know peak voltage के कितने times होती है VRMS? हाँ, तो VM या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VM root 2 by में 2. तो VM हमें दे रखा है 300 को 1.414 से multiply कर देंगे 1.414 से, और फिर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या फिर डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 300 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0.707 से। क्लियर? और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पीयर। एसी सर्किट के अंदर आईआरएमएस की वैल्यू दे रखी है, आईआरएमएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पीयर, और पूछा गया है आपसे आई एम की वैल्यू पूछी है, पीक करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट, तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैं ड्राइव करके बताऊंगा आपको, आफ्टर दैट यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल्स, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दैट फॉर्मूला और द प्रोसेस फ्रॉम विच इट कम्स, आफ्टर दैट यू कैन इजीली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स as well as the higher problems. ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक illustration part है छोटा सा. Determining RMS voltage. अब RMS voltage को determine कैसे किया जाए? That is a question. तो case one instantaneous discrete values. Case one हमारे पास क्या आएगा बेटा? Instantaneous discrete values. Values are each distinguishable from the other. हर एक values एक दूसरे से क्या करी जा सकती है? Distinguish करी जा सकती है, different होती है. कंसीडर द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, उन डिस्क्रीट वैल्यूज को क्या करना है, कंसीडर करना है, जैसे V1 हो गया, V2 हो गया, इस तरीके से नाम देने हैं, एट ईच स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जैसे V1, V2, V3 एंड अप टू Vn. Therefore, VRMS किसके इक्वल होगी, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर एंड एट लास्ट Vn का स्क्वायर, अप टू में कितने ऑब्जर्वेशन है n, और इसका क्या कर देंगे रूट, दैट विल बी इक्वल टू वी आरएमएस। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही है ना? सो बेटा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केस 2 इंस्टेंटेनियस कंटीन्यूअस वैल्यूज, तो कंटीन्यूअस एक तो हमने क्या करी, डिस्क्रीट वैल्यूज, इसको मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि एक तो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक टी टाइम पे ये वैल्यू आ रही है, एक टी1 टाइम पे ये वैल्यू आ रही है, एक T2 टाइम पे
ये वैल्यू आ रही है, तो दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, ये कैसी वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज। और एक आपके पास कुछ ऐसा सा ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही है, कंटिन्यूस वैल्यूज आ रही है, क्या आ रही है बेटा, कंटिन्यूस वैल्यूज ऑन ग्राफ, जबकि यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, तो केस वन तो हमारा क्या बना था कि डिस्क्रीट वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रीट वैल्यूज। नाउ वी हैव केस टू, दैट इज इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूस वैल्यूज ऑन अ ग्राफ। ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसके अंदर जो है बेटा हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, उसमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता था। तो यहाँ पे v किसके इक्वल होगी, vm sin omega t, because that is a alternating graph, continuous graph, this means voltage is changing at every moment, voltage like values like a just a sine function, ये sine function की तरह है। तो vrms किसके इक्वल होगी, root of 1 by t over a complete cycle of t, integration from 0 to t of v square d t, and we as we know v is equals to vm sin omega t, so we can put here vrms is equals to 1 by t integration from 0 to t of v square vm square sin square omega t and d t. Is it clear or not? Now after simplifying the above equation, vrms is equals to vm upon me root 2, जैसा कि हमने इसको किया हुआ है, आपने किया हुआ है क्या इसको सोल्व, अभी अभी हमने पावर एसोसिएटेड में किया था ना, कि पावर का फॉर्मूला निकाल रहे थे, तो पावर का फॉर्मूला निकालते टाइम इंटीग्रेशन करना था किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, कल लास्ट क्लास में किया था, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख लिया था, वन माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई में टू ओमेगा, नहीं टू ओमेगा नहीं सॉरी, तो टू ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन में टू, क्लियर है, ये याद रखेंगे सभी बच्चे। अब इसमें से वन बाई टू तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वन बाई टू डी टी का इंटीग्रेशन माइनस में कोस टू ओमेगा टी बाय में टू डी टी का इंटीग्रेशन, वन बाई टू इसमें, वन बाई टू इसमें, वन बाई टू को क्या ले लेंगे बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी माइनस में कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी बाई में टू ओमेगा, एंड इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ जीरो टू टी, देन टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी क्या आएगा आपका, टू पाई बाई ओमेगा, इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो टी पुट किया, टी माइनस साइन टू ओमेगा, और कैपिटल टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 2 2 इनटू 4, और साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t बचेगा, समझ आया नहीं आया, और बाहर एक क्वांटिटी पहले से थी क्या, 1 बाई टी, तो 1 बाई टी इंटू में 1 बाई टू, और टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बाई टू, 1 बाई टू बच गया, और 1 बाई टू किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर, तो ये रूट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट टू, और वीएम का स्क्वायर था, वीएम का स्क्वायर बार किसकी फॉर्म में आएगा, वीएम की फॉर्म में, तो वीएम बाय में रूट टू, क्लियर है। इसको अगर आप घर जाके अच्छे से करोगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, पावर के फॉर्मूले जैसा है, सिर्फ पावर में जैसे हमने डेरिवेशन किया था सेम यहाँ पे करना है, क्लियर है, और सेम किस में करना है, आई आर एम एस में, ठीक है, वहां पे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ की क्लास जो है बेटा हम यहीं तक रखेंगे, सो आपका होमवर्क जो रहेगा, डिटरमाइन नॉट इट, दैट इज होमवर्क इज ड्राइव द रिलेशन फॉर, या फिर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वोल्टेज इन रफ नोटबुक एज वेल एज फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक में तो कर रखा होगा आपने, एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्लियर है, दैट इज योर होमवर्क,
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.